ये 17वीं सदी का प्रारंभ है। अपने पिता की भयानक हत्या के बाद नौजवान राजा 13वें लुई अफ्रांस की राजगद्दी संभाले हुए हैं। उनके शांतिपूर्ण राष्ट्र को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा है। फ्रांस की सरहदों के भीतर ही महाराज का सलाहकार कार्डिनल रिशला खुद सत्ता हासिल करने की साजिश रच रहा है। ना तजुर्बेकार लुई और उसकी नई नवेली दुल्हन महारानी एन के पास अब ऐसा कोई दोस्त नहीं बचा जो उन्हें सहारा दे सके। यूरोप विनाशकारी जंग की कगार पर खड़ा है, ऐसी जंग जो पूरे यूरोप को बर्बाद कर देगी, और इस अंतर्भास को सिर्फ चंद जाबाज ही रोक सकते हैं। रुक जाओ, बहुत लापरवाह हो गए हो। यही तो मुझे तुमसे भी कहना है। बेहतर होता अगर जवाब में मुझे तुमसे प्यार है कह देते। तुम भी तो साधारण अभिवादन कर सकती थी। फिर उसमें क्या मजा है? तो अपने बिशप कैसे हैं? तुम जैसे तो नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। जानती हूं तुम हर लड़की से यही कहते हो। ए, क्या कर रहे हो? मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अरे एक बार छूने तो दो। अपने हाथों को काबू में रखो। हे प्रभु परमेश्वर, जिस तरह स्वर्ग पर तुम्हारा राज है उसी तरह सारी पृथ्वी पर भी तेरा राज हो। हमें हर रोज भोजन देने की कृपा कर। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना। आमीन। कौन? चाबे। तो तुम्हें यह चाबी चाहिए? कौन हो तुम? मैं पादरी नहीं हूं। मैं भी शरीफ लड़की नहीं हूं। चलो मेरे पास 10 मिनट है। हम दोस्तों के लिए दोस्त हैं और दुश्मनों के लिए दुश्मन। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम जैसे प्रतिष्ठावान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे ख्याल से तुम्हें शायद पता नहीं कि एथोस और एरेमिस इस वक्त कहां होंगे। उनका नाम तक कभी नहीं सुना। तुम फ्रांस के जासूस बहुत ही घमंडी हो और बेवकूफ भी, और साथ साथ दिलेर। पता नहीं तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे इतनी देर क्यों लगी। पकड़ा ही कहां है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे नहीं पकड़ा है। अगर ये बात है तो तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम्हें पकड़ने आया हूं। Oh!
चाबी। फ्रांस जिंदाबाद। दविंची का तहखाना। लियोनार्डो ने इसे अपने अद्भुत आविष्कारों की रेखाओं को छुपाने के लिए बनाया था। तो खोले। अब तुम्हारा काम हो गया। तुम लौट क्यों नहीं जाते? हम तय की हुई जगह पर मिलेंगे। हम एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे राजा। मैं जाता हूं। रुको रुको, इतना आसान नहीं। फर्श पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं छत के जरिए जा सकता हूं। छत पर तार बांधने होंगे, लेकिन ऊपर भी बारूद हो सकता है। क्या सोच रहे हो? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है यहाँ कोई खुफिया बरामदा नहीं है या कोई खुफिया सुरंग? नहीं साहब, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ तीनों महायोद्धाओं की आज मौत हो। आज मैं उन्हें मार दूंगा। दो मिनट में पहरेदार बदल जाएंगे या उससे पहले? उससे पहले ही। अब क्या करें? मुकाबला करते हैं? नहीं, दूसरी योजना है। मिल गया। अथोस, तुम्हें पता भी है कि ऊपर क्या है? बस सांस रोक लो। कहां भाग रहे हो? जल्दी नीचे पहुंचो, नीचे। सोचो मत, बोल दो। मैं तुम्हें चाहती हूँ। माफ करना, पर तुम अपनी ये प्यार मोहब्बत की बात कही और नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार पादरी ने सही बात कही है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। तो अब क्या करोगे? बस पेरिस लौट जाऊंगा। उसके बाद फ्रांस की जरूरत के मुताबिक वो जहां कहीं भी हमें भेज दे। युद्ध ही हमारा धर्म है, युद्ध ही हमारा कर्म है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ। तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो भी किया वो जाती नहीं है, यूं समझो कि व्यापार है। उसने मेरे साथ बेहतर सौदा किया है। एथोस, बकिंगम। वो जहर था। अगर तुम्हें ताज्जुब हो रहा हो तो सुनो, जहर शराब में नहीं बल्कि कप में था। किसी भी द्रव्य के संपर्क में आने तक वो बेअसर था।
फिक्र मत करो एथोस, तुम लोग नहीं मरोगे, बावजूद इसके कि तुम इस वक्त मरना चाहते होंगे। जोखिम तुम उठाओ और मलाई मैं खाऊं, ये सरासर नाइंसाफी है। खैर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं, एक अहम मशवरे के साथ भेजूंगा। किसी पर यकीन मत करो, खासकर औरतों पर। जीत तुम्हारी होगी। उसे यकीन दिला रहा था कि बेवफा बनने से पहले तुम उससे मोहब्बत भी करती थी। तुम तो बेरहम हो मिलेडी, मुझसे भी बढ़कर। मैंने तो चंद कागज ही छीने थे, लेकिन तुमने तो उसका सब कुछ छीन लिया। अब बनेगा मेरा लड़ाकू विमान। नीचे खंजर है, एक दोस्त ने मुझे यह पैंतरा सिखाया था। तुम्हारा हर प्रतिद्वंदी तुम्हारी तरह शरीफ नहीं होगा, यह याद रखना। तुम्हें सिखाने लायक अब कुछ नहीं बचा। मुझे ऐसा नहीं लगता पिताजी। ये लीजिए, इसे तुम ही रखो। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पिता अपने बेटे को देता आया है, यह अब तुम्हारी है। एक महायोद्धा का हथियार, एक महायोद्धा का असली हथियार तो ये है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, शायद आपकी। नहीं नहीं, जिसे देखकर मैं दिल से चाहता था कि मैं वो हूं। खैर अब तुम्हें यात्रा शुरू करनी चाहिए। ये बटुआ ले जाओ, इसमें 15 सिक्के हैं, इनके सहारे तुम पेरिस तक पहुंच सकते हो। और तुम्हें घोड़े की जरूरत होगी, तुम्हारी माँ कहती है तुम बिजली को ले जाओ। तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, यही बहुत है। अपना ख्याल रखना बेटा, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। माँ अगर महायोद्धा बनना है तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो करना ही पड़ेगा। जितना हो सके झगड़ों से दूरी रहना। ठीक है माँ, एक और मशवरा दूंगा। जानता हूँ यही ना कि मुसीबत मोल मत लेना। गलत, मुसीबत मोल लो, गलतियां करो, लड़ो, प्यार करो और जियो। और याद रखो कि तुम गैस करके रहने वाले हो और हमारी औलाद हो। अब जाओ जाओ। अरे कोई तो बताओ इस खतरनाक जानवर का नाम क्या है, और जो उसे चला रहा है वो भी जानवर जैसा ही है। अरे भाई सुनो जी, देखो मेरी घोड़ी के अच्छे से देखभाल करना। हाँ अच्छा। ओ तो ये घोड़ी है सचमुच? मेरे दोस्तों को लगा ये गधा है। सुनिए, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ बैठकर मजाक कर रहे हैं, पर बिजली है ना, वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। बेहतर होगा आप लोग माफी मांगे। खैर गैस्कॉन के देहातियों से मुझे माफी मांगने की आदत नहीं है। मुझसे नहीं,
मेरी घोड़ी से मांगी है। आपने उसका दिल दुखाया है। और ना मांगू तो मुझे आपकी जान लेनी होगी। तुमने गोली चलाई। तुम तो बड़े किस्मत वाले निकले नौजवान, पर असली सवाल यह है कि तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? छोटा सा घाव है, शायद इसमें गड़बड़ है। मेरे बंदूकों की देखभाल कौन करता है? मैं करता हूं हुजूर। उसकी तलवार दो। एक देहाती के खून से मैं अपनी तलवार गंदी नहीं करूंगा। तो बच्चे, समझो तुम्हारे लिए एक सबक है, आखिरी सबक। रुक जाओ, इसके मरने की उम्र नहीं हुई है। जो आप कहें मिलेडी। तुम चलो रॉशफोर्ट, हमें आज ही पेरिस पहुंचना है। शुक्रिया। सामने से हटो। तुमने जरूरत से ज्यादा पी लिया है। मेरी बोतल कहाँ है? जाओ। तुम मुझसे भी बड़े शराबी हो। नहीं, माफ करना, हम सब साथ हैं। हट जाओ। माफ करना, माफ करना। तुम अंधे हो क्या? देखो, मैं एक आदमी का पीछा कर रहा हूँ जिसने मेरी घोड़ी की बेइज्जती की और मुझे मारने की कोशिश की। ये बहाना नहीं चला। मुझे जान दो। तुमने शराब गिरा दी और मेरे कपड़े गंदे कर दिए। देखिए, मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, ये लीजिए 10 सिक्के। जानते हो किससे बात कर रहे हैं? बदबू से तो आप बिल्कुल शराबी लगते हो। ये तो हुई बच्चू लड़ाई वाली बात। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अंधे के साथ साथ बहरे भी तुम जैसों का इलाज करना ही मेरा पेशा है। बहुत अच्छे, तो बताइए कब मुलाकात करें? 12 बजे, कूपर मैदान, सेंट जर्मेन में। मैं पहुंच जाऊंगा। हट जाओ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मेरी मानिए, इस लिबास में तो आप एकदम शरीफ दिखेंगे, जबकि नीले वाले में आप काफी रंगबाज लगेंगे। दोनों जरूरी है, मैं शरीफ भी हूं और रंगबाज भी, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों ही लेता हूं। बहुत बढ़िया फैसला है। तुम मुझे बेकार रहे हो जाने मन, मैं तुम्हारे एहसान का बदला हमेशा की तरह चुकाऊंगा। सवाल गए। मुझे माफ कीजिएगा, जिंदगी और मौत का सवाल है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। शायद आपका है। ये मेरा नहीं है। मैंने इन्हें आपको देते हुए देखा, मैं अंधा नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब मैं पैसे लेता हूँ इस औरत से? मतलब मैं अपने कपड़े खुद नहीं खरीद सकता? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप जानते मैं कौन हूँ? नहीं। तो बात एक ही हुई ना। किस्मत वाले हो बच्चे, मुझसे सवाल लड़ाने वाले को मैं खत्म कर देता हूँ, पर आज मैं नए लिबास में हूँ। कूपर मैदान, सेंट जर्मेन, 1 बजे मिलना। अपने लिए कफन भी सिलवा लेना। क्या?
ये क्या है? 5 फ्रैंक? ओए, ओए, ये किस लिए है? ये एक नजराना है, ये एक चलन है, पब्लिक इलाके में एक जानवर के विसर्जन पर काबू ना रखने का नतीजा। मैं समझा नहीं। तुम्हारी घोड़ी ने सड़क पे पिशाब किया। मजाक कर रहे हो? सब यही कहते हैं। चलो फैसला हो जाए। कूपर मैदान, सेंट जोमिन, 2 बजे। अजीब लड़का है। मिलेडी पधार रही हैं। बड़ा दिलचस्प खेल है कार्डिनल। प्रतिद्वंदी कौन है? मैं खुद हूं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे खिलाफ खेलने के लायक हो। क्या खबर इंग्लैंड की? वो आ रहा है बकिंघम। और उसने तैयार कर लिया है हवाई जहाज। वो तुम्हारी ईमानदारी पर शक तो नहीं करता? वो अपने आप को बड़ा चालाक और दुष्ट समझता है। दुष्टता तो सिर्फ एक नजरिया है। आ, रिश्ला, क्या ये महिला इंग्लैंड की प्रतिनिधि है? आप तो वाकई बड़े सतर्क हैं राजन। तो बकिंघम आजकल पहनता क्या है महाराजा? मतलब किस रंग का लिबास पहनता है? हरे रंग का महाराजा। हरा रंग? बहुत खूब। यहां तो सब लोग हमें नीले रंग का मशवरा दे रहे थे। यकीनन हरा रंग ही होना चाहिए। हमने अपने आसपास निकम्मों को पाल के रखा है। सब बेवकूफ हैं, सब के सब। हमें सब कुछ हरे रंग में चाहिए, सब कुछ। आप चल के आराम कीजिए। तो आखिर तुम आ ही गए। शुरू हो जाएं? तो तुम्हें ऊपर वाले से मिलने की बहुत जल्दी है। मुझे और भी लोगों से मिलना है। किसी से भी मिल नहीं पाओगे। मुझे सभी लोगों से वक्त पर मिलने की आदत है। मेरे साथी हैं। तुम इस कमीने से लड़ोगे? वक्त से पहले आ गए। 1 बजे 2 बजे। तुम पेरिस में कब से हो? बस आज सुबह ही आया हूं। मरने के लिए बेसब्र थे? बचपन से ही सब्र मेरी फितरत नहीं रही है। और ना ही तुझमें कोई तमीज है। तुम्हारी बारी बाद में है बुढ़ाऊ। तुम्हारी कब्र पर क्या लिखवा दूं? नाली का कीड़ा। डार्टेनियन। डार्टेनियन, मैं हूं एथोस, ये पोर्थोस, ये आरामिस। यानी 3 महायोद्धा। आपके बारे में सुना है अपने पिताजी से। वो खुद एक महायोद्धा थे। और बात यह है कि मैं खुद आप लोगों में शामिल होने आया हूं। तुमने आने में जरा देर कर दी। क्यों, क्या हुआ? एक खराब मुहिम, वेतन ना मिलना और कार्डिनल से दुश्मनी, यही सब वजह है। खैर, पेरिस में तुम्हारा स्वागत है। अफसोस तुम्हें मरना पड़ेगा। अब अगर महायोद्धा बन नहीं सकता पर किसी एक से लड़ तो सकता हूं, या तीनों से। अब इसे खत्म कर दो, खाने का वक्त हो गया और मुझे भूख लगी है। ठहरो। ओह, जोसेफ। वाह, क्या जमाना है। बड़े बड़े लोग धूल चाट रहे हैं, वर्दी उतर गई तो बच्चों से लड़ रहे हो। अब वर्दी मिली तो गरीबों को लूटना छोड़ दिया क्या? देखो, अपने हथियार फेंक दो और हमारे साथ चलो।
अगर पूरी फौज से नहीं लड़ना है तो नई योजना है, बच्चे को मार के इन सबके हाथ पैर तोड़ देते हैं, इससे कसरत भी हो जाएगी, उसके बाद खाना खाने का मजा आएगा। क्या फैसला है? मुझे लगता है कि अब हम जो भी करें सोच समझ कर करें। आप लोग महायोद्धा हो? गलत, हम लोग महायोद्धा थे लेकिन अब तो नहीं, कुछ नहीं। रॉशफोर्ट, हम शामिल हो जाए। हाँ। सबको खत्म कर दो। अभी साहब बराबर करते हैं। कैसी लगी मेरी अदा? संभालो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम हमेशा से ही इतने घमंडी हो। सिर्फ मंगलवार को रहता या जब पास में खूबसूरत लड़की हो तब। कमीने, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एक लड़की को पटा रहा हूं? नाम बताओगी या जाऊं? कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस, ये तो बड़ा ही सुलझा हुआ नाम है। लगता है तुम्हें सुलझने की जरूरत है। ओ, मैं वैसा नहीं हूँ, दिल की गहराई में मेरे बस प्यार ही प्यार है। चाहो तो आजमा के देख लो। मैं तो इस एहसास को भूल ही गया था। हम सभी मेरा नाम है टैनिन। तुम बहुत छोटे गांव से आए हो शायद। तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें तो सिर्फ वहीं पर होती होंगी, लेकिन ये पेरिस है, यहाँ तलवारबाजी ही काम आती है, और बुद्धि के जंग में तुम तो अभी तक निहत्ते हो।
उसने सही कहा बच्चे, पेरिस की लड़कियों को कम मत समझना। उनके पास ना कहने के हजारों बहाने होते हैं, पर कुछ ना में हाँ भी छुपी होती है। एक बात कहूँ, फौज वापस आ सकती है। चलो वरना पूरी फौज को मिटाने की नौबत आ जाएगी। फिर कभी। तो अपना क्या होगा, जहाँ खत्म किया वहीं से शुरू करें। मेरे ख्याल से आज हमने बहुत लड़ाई कर ली, और वैसे भी रोशफोर्ट का दुश्मन हमारा दोस्त है। ये रोशफोर्ट कौन है? कार्डिनल के फौज का कप्तान है, यानी फ्रांस के सबसे ताकतवर आदमी का दाहिना हाथ। रोशफोर्ट पूरे यूरोप में सबसे खतरनाक तलवारबाज है। तुम भी किस आदमी से उलझ गए हो? देखो, उसने मेरी घोड़ी की बेइज्जती की है। तुम बड़े बदतमीज, बददिमाग, बेवकूफ हो। शायद शाम ढलने से पहले मारे जाओगे, पर तुम मुझे पसंद हो। कहां ठहरे हो? पता नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं? बहुत बढ़िया दोस्त, तो अब तुम और तुम्हारी घोड़ी हमारे घर में रह सकते हैं, सिर्फ आज के दिन। तुम्हारी घोड़ी को वहां खलियान में बांध दो। हाँ हाँ, चल रहे हैं। आज जाम किसके नाम? महाराजा के नाम क्यों नहीं? वो तो बच्चा है, कार्डिनल फ्रांस का असली राजा है, इसलिए उसी के नाम हो जाए। तो फ्रांस के नाम? फ्रांस की सेवा की, उसके लिए खून भी बहाया, आखिर हमें क्या मिला? दोस्ती या प्यार? एक सलाह देता हूं बच्चे, किसी पर भरोसा मत करना। आखिर कुछ तो होगा जिस पर हम भरोसा कर सकें। इस पर और इस पर। कोई कुछ और कहे तो या तो वो बेवकूफ है या वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। जानता हूं आतोस ऊपर से बहुत सख्त और रूखा लगता है, पर धोखा मत खा जाना। पर अंदर से वो वाकई बहुत सख्त और रूखा है। इनके साथ ऐसा हुआ क्या है? जो अक्सर एक आदमी के साथ होता है, औरत। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे लगा था कि आप लोग थोड़े और भी जांबाज होंगे। मेरे ये आदरणीय सहयोगी अपने ही अंदाज में कह रहे थे कि अब हम बेकार हो चुके हैं। हम लोग योद्धा हैं, पर लड़ने के लिए कोई युद्ध ही नहीं रहा, इसलिए हम पीते हैं, लड़ते हैं, कार्डिनल के पैरेदारों से झगड़ा मोल लेते हैं और फिर दोबारा पी लेते हैं। हमें जरूरत है एक खास वजह की, पर कोई खास वजह बचे ही नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता रहता हूं कि तुम्हें दोबारा बन जाना चाहिए, इससे शहर में जीना आसान हो जाता है। शादी या मौत में मुफ्त की दारू और दिल बहलाने के लिए भी तो होती है। आप एक पादरी हैं? तब तक था जब मुझे एहसास हुआ कि खुदा के बंदे और पोशाक वाले बंदे दिखते एक हैं पर अलग अलग हैं। ये आज भी किसी को मारता है तो उसके लिए प्रार्थना करता है, पुरानी आदत है। दरअसल बात यह है, जिन्हें मैं मारता हूँ वो मरने के हकदार होते हैं, पर वो शांति के भी हकदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी चीज पर तो भरोसा किया होगा। हम सब करते हैं, यही तो हमारी समस्या है। इसी बात पे एक और जाम। प्लांशे, और शराब लाओ। प्लांशे, क्षमा करें श्रीमान, अफसोस की बात है कि कुछ बचा नहीं है, आपने सब खत्म कर दिया। ये किस तरह का जवाब हुआ? जाओ जाकर लाओ। ठीक ठीक है सर, ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता। वो क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। प्लांशे, तुम क्या हो? मैं खुदा की बहुत बड़ी गलती हूँ साहब, और मैं बिल्कुल नालायक और नाकारा हूँ साहब। बिल्कुल सच कहूँ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। प्लांशे, उफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवान, ये नौजवान तो वाकई बहुत ही बड़े दिल वाला है। जवान, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या आज रात को आप यहीं पर ठहरना पसंद करेंगे? वो तुम्हारे बिस्तर पर सोएगा प्लांशे। ठीक है, तो मैं कहाँ सोऊंगा? तुम बाहर सो जाओगे। बाहर? मैं बाहर ठंड में सोऊंगा, जहाँ चिड़िया मेरे सर पर रात भर गंदगी करती रहेगी। अच्छी बात है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? शराब, शराब, बिल्कुल शराब है ना, शराब, अभी लेकर आता हूँ। शराब,
चेक। ये तो बकवास खेल है। असल में तो राजा को सबसे ताकतवर होना चाहिए ना। दरअसल राजा तो एक अहम मोहरा होता है, मगर कमजोर हालातों में उसे सुरक्षा की जरूरत है। क्यों ना आप उसे आगे बढ़ाएं। चेकमेट। हो गया ना, तो इस चाल के बारे में क्या कहना है? आप काफी जोशीले हैं राजन। हमने आपको चौंका दिया ना। हाँ बिल्कुल, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब विदेश नीति के बारे में कुछ बातें हो क्या? कहीं बकिंगहम के बारे में तो नहीं? हाँ उसी के बारे में। वो कल पेरिस पहुंच रहा है। इंग्लैंड के राजा जेम्स हमारे शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार हो गए। बहुत अच्छे, जान गया होगा कि हमसे उलझकर बच नहीं पाएगा। इस बीच एक और बात भी है राजन, आपके महायोद्धा और मेरी फौज के बीच बेवजह लड़ाई शुरू हो गई है। कौन कौन शामिल था? एथोस, पोर्थोस, अरेमिस, मतलब वही पुराने तीनों, साथ में डार्टेनियन नाम का एक नौजवान भी। राजन मैंने मुजरिमों को महल में बुलाया है ताकि आप उन्हें कड़ी सजा दे सकें। महाराजा पधार रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कार्डिनल की फौजों से पंगा लेते हो, बहुत बुरी बात है। अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। तो बताओ कितने लोग शामिल थे इस लड़ाई में? हम चार के सामने वो 40 थे महाराजा। चार के सामने 40? फिर भी तुमने उनकी धज्जा उड़ा दी। अरे हाँ, तुम लोगों को गुनाह के लिए सजा मिलेगी, बहुत ही सख्त सजा मिलेगी, तुम्हें पता है ना? जी पता है महाराजा। महारानी पधार रही है। महारानी, हमें बहुत ही खुशी हुई आपको देख के। हम उन महायोद्धाओं को देखना चाहते हैं जिन्होंने कारिनल की फौज का मुकाबला किया। 4 के खिलाफ 40, या फिर वो 400 थे? सिर्फ 40 थे महारानी, और हम जोश में नहीं थे। देखा हमारे महायोद्धाओं का कमाल, जब तक लोग इनके गुण गाएंगे तब तक 4000 लोग मर चुके होंगे। उम्मीद है आप इनसे सख्ती से पेश नहीं आएंगे, और वैसे भी ये आपके अपने योद्धा हैं। शायद तुम डाटानियन हो, हमारी दासी तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी से काफी प्रभावित है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी अकड़ को काबू में रखो। मैं आदत से मजबूर हूँ महारानी, माफ करें राजन, ये मुजरिम है। हाँ जरूर जरूर, सब खड़े हो जाओ। एथोस, पोर्थोस, अरामिस, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है डटानियन की, तुम्हारे कपड़े हमें कुछ खास नहीं लगे। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं महाराजा, वो खुद एक महायोद्धा थे और मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं। हे ईश्वर, हमें इनके लिए कुछ करना होगा। हम अपने महायोद्धा या उनकी औलाद को इस हालत में नहीं देख सकते। इन सब के लिए नए लिबास बनवाए जाए, और इसका जिम्मा हम आपको सौंपते हैं कार्डिनल, और अपनी बहादुरी के प्रदर्शन के लिए इन्हें सोने के सिक्कों से भरी थैली दी जाए। ये काम भी आप ही करेंगे कार्डिनल। और हाँ, हम कहीं भूल ना जाए, अब कभी कार्डिनल की फौजों के साथ लड़ाई नहीं करोगे, वरना सबके सम्हारे जाएंगे। राजन मेरी राय में आप जरा इन्हें सख्ती से। कीजिएगा कार्डिनल, हमें नहीं लगता महाराजा को इस मामले में आपकी राय की जरूरत है, आखिर ये महाराजा के महायोद्धा हैं। अब हम चलते हैं। अब निकलो यहां से लफंगो, और सुनो, कल के समारोह में वक्त पे आ जाना, वो भी नए लिबास में। मैं तंग आ चुका हूं इस राजा रानी से, अब अपनी चाल चलने का वक्त आ चुका है।
बकिंघम के आने के इस मौके का फायदा उठाना है। जब वो आएगा हम अफवाह फैलाएंगे कि वो महारानी से छुप छुप के मिलता रहा है। अगर ये सवाल उठे कि इस रिश्ते के बारे में आपको कैसे पता चला तो? बकिंघम के हाथ के लिखे प्रेम पत्र महारानी के शयन कक्ष से मिलेंगे। लेकिन उसके लिखावट और मुहर के लिए आप क्या करेंगे कार्डिनल? इन दोनों का इंतजाम करना तुम्हारे जैसे काबिल लड़के के लिए कौन सी बड़ी बात है? तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे खतों से महाराजा को यकीन हो जाएगा कि उनकी पत्नी बेवफा है। ऐसा है तो हम उन्हें एक और पुख्ता सबूत देंगे, जैसे रानी के हीरों का हार, जिसे उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पर बकिंघम को दिया हो। बकिंघम की बहुत बदनामी होगी, महाराजा पागल हो जाएगा, महारानी को मौत की सजा मिलेगी और फ्रांस के पास जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर महाराजा कमजोर पड़ जाए तो फ्रांस मुसीबत में पड़ जाएगा। फ्रांस को एक ताकतवर नेता की जरूरत पड़ेगी जो इस नादान बालक से समझदार और काबिल हो। महाराजा की गद्दी पे आप ही होंगे कार्डिनल। ये अभी तक आया क्यों नहीं? ये तो सरासर बदतमीजी है। हमारा झंडा गिरा दिया। वैसे इसे कहते क्या है रिश्ता? ये हवाई जहाज है राजन। हमारे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है? हमसे ये चूक हो गई है राजन। ठीक है ठीक है, और सुनो एक बनवा देना। किंगडम नीला रंग, महाराजा सुंदर पोशाक है, वो भी हरा रंग। ये रंग लंदन में कभी हम पहना करते थे, कब था वो? पिछले साल या उससे पहले? और बकिंगम, आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओह बिल्कुल नहीं, कैसी तकलीफ। बल्कि ये जहाज तो ख्वाब की तरह चलता है, जैसे जन्नत की सैर करा रहा हो। कार्डिनल, जायज है, ईश्वर का सेवक होने के नाते आपको ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। महाराजा जेम्स ने आपका शांति प्रस्ताव जानने के लिए मुझे भेजा है। आपका स्वागत है बकिंघम। एन महारानी, आपकी खूबसूरती तो पहले से भी कहीं ज्यादा निखर गई है। आप लोग मिल चुके हो? एक मुद्दत पहले। एक हसीन शाम जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है तो अंदर चलें। अच्छा तो यहाँ पर बड़े बड़े महारथ ही मौजूद हैं। तो क्या आप इन्हें भी जानते हैं? हम मिल चुके हैं महाराजा। मुझे याद है पिछली बार जब हम मिले थे तब भी तुम अपने घुटनों पर थे। बहुत बुरी आदत है ये, अफसोस। हमारी अगली मुलाकात में मैं इस आदत को सुधार लूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा।
बहरहाल हम शांति प्रस्ताव की बात करें। मानना पड़ेगा इस महल की सजावट तो काबिले तारीफ है। एग्जाम हो जाए? मैं पीता नहीं। और उस बेहतरीन बोर्डो का क्या जो इस वक्त आपके दराज में रखी हुई है? आपका यहां जो जासूस है उसका नाम बताएं तो बेहतर होगा। यही मेरा सवाल है। इंग्लैंड दो तरफा जंग नहीं लड़ सकता। दोनों मुल्कों की हालत अब ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त अमन का समझौता बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन किसके लिए? आपके लिए? हमारे लिए। अब जब हमारा लड़ाकू विमान बन गया है, मेरी मानिए हमें किसी से कोई खतरा नहीं। बहुत खूब। ये महारानी का महल है, यहाँ आना मना है। ओ अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं रास्ता खो गई थी, गलत जगह मुड़ गई थी और अचानक दरवाजा बंद हो गया। देखो मैं इस जगह फंस गई हूँ। कितनी गर्मी, कितना धूप। तुम फिक्र मत करो, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। आगे बढ़। तुम गोली नहीं चला सकती, सब सुनेंगे। आदेश का इंतजार करो। कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस, जरा सुनोगी? क्षमा चाहती हूँ महारानी, अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराजा मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, अब जाओ मुझे काम है। अरे सुनो सुनो, मैं सोच रहा था कि महाराजा से बात करने के बाद क्यों ना हम दोनों मिल लें। मैं नहीं मिल सकती, मुझे बहुत काम है। तो कल मिल सकते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है। देखो मैं देखो डाटानियन, माना कि तुम्हारे पास नए कपड़े और महाराजा का आशीष है, फिर भी तुम एक बेढंगे गवार की तरह पेश आ रहे हो। अब जाओ यहाँ से। मुझे दो दिन में दो बार आपसे मिलने का मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है महाराज। रहने दो, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो। तुम बहुत अच्छे हो टटानिया। तो आजकल लड़कियां तुमसे कैसे पेश आ रही हैं? सब ठीक ठाक है। हाँ क्यों ना हो, हमारा भी यही हाल है। बात ऐसी है कि हमारा कोई दोस्त है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति तुम्हारी और हमारी तरह। शादी जल्दी की थी उसने, सियासी संबंध, पारिवारिक शादी, तुम समझ रहे हो ना। लड़की को जानता नहीं था। और उसे चाहता है ना? हाँ बहुत ज्यादा। और वो भी उसे चाहती है? वही तो पता लगाना है, पर इसमें एक समस्या है कि वो नहीं जानता कि कैसे पता लगा है। जब भी वो लड़की उसके पास होती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, हमेशा गलत बातें कह देता है और उसका पसीना छूटने लगता है। उसका दिल इतनी जोरों से धड़कता है तो लगता है कि वो कहीं सुन ना ले। उसे आंख उठा के देखना भी दुश्वार हो रहा है। तुम्हें ऐसा कभी महसूस हुआ है? अभी भी होने लगा है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब हमारा दोस्त, उसे क्या करना चाहिए? उसे दिल की बात बता देनी चाहिए, और अगर वो वाकई उसे चाहता है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, प्यार का इजहार करना चाहिए। हाँ हमने भी उसे यही कहा। फिर तो वो बहुत किस्मत वाला है। और क्यों ना हो, आखिर वो महाराजा का दोस्त है। हाँ हाँ अच्छे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। तो तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। देखो कौन आ रहा है।
कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं। देखिए, हमने नीले रंग के कपड़े पहने हैं और आप इसमें शानदार लग रहे हैं। शुक्रिया। आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दरअसल हम अभी डटानियन से यही बात कह रहे थे कि आप कितनी सुंदर हैं। शुक्रिया महाराज। काम कैसा हुआ? एकदम बढ़िया। अच्छा है। अब तुम बकिंघम के साथ लंदन जाओगी उन हीरों को लेकर। मैं इनका क्या करूंगी? उसे वहां उसके जाती तिजोरी में रख देना, जो कि पूरे इंग्लैंड की सबसे महफूज जगह है। यानी लंदन का मीनार? हाँ। जब यह अफवाह पूरी दुनिया में फैलेगी तो वो इनकार करेगा, पर जब उसके पास महारानी के जेवरात पाए जाएंगे तब अपनी इज्जत के लिए वो फ्रांस के साथ जंग शुरू कर देगा। तब फ्रांस के भविष्य का क्या होगा? मैं ही फ्रांस हूं। एक और बात है, मेरे ख्याल से दो देशों के लिए जासूसी करने वालों पर 100% भरोसा करना बेवकूफी होगी। क्या आपको मेरी वफादारी पर शक होने लगा है कार्डिनल? ये नौटंकी बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या हो। तुम लालच की परिभाषा हो और बेवफा की मूरत हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। अगर तुमने अपनी ये खूबी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की तो मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। तो ये सौदा मैं पक्का समझू? जी। इस सौदे का एक पहलू और भी है। किसी भी मालिक के लिए उसका नौकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह होती है। काम हो गया तो निकाल कर फेंक दिया, पकड़े जाने पर या तो जेल में सड़ो या फिर फांसी। तुम चाहती क्या? मुझे इस बात का आश्वासन चाहिए कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जैसे कि कोई जीवन बीमा। मेरा वादा काफी होगा। अल्फाजों का क्या, वो तो हवा में ही उड़ जाते हैं। मुझे कुछ पक्की चीज चाहिए। इस पत्र के धारक ने जो कुछ भी किया वो साम्राज्य की भलाई के लिए है, इसलिए उस कार्य का उत्तरदायित्व मैं खुद पर लेता हूं। अभी खुश हो ना? बहुत ज्यादा। महाराजा, जामुनी रंग, वेशभूषा में हम आगे और जमाना पीछे, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। और हाँ, महारानी से कहिएगा मैंने उन्हें याद किया, और मैं आपका शांति प्रस्ताव महाराजा जेम्स के सामने रखूंगा। कार्डिनल रिचले, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था।
फिर मिलेंगे काजल। प्रिश्ला, कुछ परेशानी वाली बात है। यह पत्र, प्रेम पत्र, हमें महारानी के शयन कक्ष से मिले हैं। हमें पता है उसी ने लिखे हैं। हाँ? बकिंग हमने और किसने? आपने महारानी से इन खतों के बारे में बात की? नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। वो तो वैसे भी इनकार कर देगी। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ राजन। खत में किसी खास मुलाकात का जिक्र है? अब विस्तार में, या किसी भेंट वगैरह का जिक्र? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। एक हीरो का हार जिसे हमने शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। मैं इस 12 हीरों वाले हार को कबूल करता हूं, हमारे साथ बिताए हसीन लम्हों की याद बनाकर। ये हसीन लम्हे वही है ना जिसे हम सोचना भी नहीं चाहते? अफसोस कि ये वही है। अब हम क्या करें? मेरी मानिए तो आप एक जश्न का ऐलान कीजिए। क्या, उससे क्या फायदा होगा राजन? इससे आपको एक बहाना मिलेगा कि आप महारानी से कहें कि जश्न में वो उस हार को पहने। ओ विश्ले, आप वाकई अक्लमंद हैं, वाकई अक्लमंद हैं। अगर वो हार पहनकर आई तो आपका शक बेबुनियाद निकलेगा, और अगर नहीं पहना तो? 5 दिन के बाद महाराजा एक जश्न मनाना चाहते हैं। हमारे हीरे जवाहरातों को चमकाने के लिए भेज दो। जश्न के दिन हम महाराजा को खुश देखना चाहते हैं। उम्मीद है हम आपके लिए रुकावट नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं महारानी, आपने आने की हम जानते हैं। महारानी, आप मुझे थोड़ा खुल के बताने की रहम करेंगी? हम जानते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका है जहाँ मुझे पागलों की तरह हंसना चाहिए और किसी दुष्ट षड्यंत्र के बारे में महारानी को मजेदार बातें बतानी चाहिए। बहरहाल, कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आप क्या कह रही हैं। हम जानते थे आप यही कहेंगे। तो फिर यहाँ पधारने का कष्ट क्यों किया है महारानी? आपकी आंखों में असलियत देखने। महारानी, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? ऐसी कौन सी सरकटने वाली बात हो? दरअसल ऐसा ही कुछ है। तुम चाहती हो कि मैं इंग्लैंड जाऊं, उन हीरों को लेकर आऊं जो महारानी के मुताबिक बकिंगम के पास हैं, और इस काम को मैं एक अनजान जगह पर जाकर कड़ी सुरक्षा को तोड़कर अंजाम दूं। लंदन का मीनार, कार्डिनल के जासूसों ने उस ड्यूक को फंसाने के लिए वही जगह चुनी होगी। मुझे पेरिस लौटना है जबकि उनका हर फौजी, हर हथियार, हर गोला बारूद सबका निशाना मुझ पर होगा ताकि मैं जिंदा बच ना पाऊं। और कुछ बाकी है? तुम्हारे पास 5 दिन है। ये तो मैं भूल ही गया, और भी कुछ? नहीं। खैर, मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आखिर मैं ये काम क्यों करूं? मैं चला इंग्लैंड। वो हीरे बकिंगम टावर ऑफ लंदन, 5 दिन महारानी की इज्जत और फ्रांस के भविष्य का सवाल है। तो कौन है मेरे साथ? मुझे लगता है कि महारानी हमें बड़ा इनाम देंगी। मैं लॉर्ड बनूंगा। क्या लगता है तुम्हें? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? वैसे भी मैंने सुना है अंग्रेज औरत बिल्कुल शैंपेन की ठंडी बोतल की तरह होती है, बाहर से बर्फ की तरह, पर एक बार गर्म कर दो तो मजा आ जाता है। ये इतनी कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन हमें इसे करना ही होगा। वहां बकिंगम के साथ वो भी होगी। कौन? उसके कई नाम हैं, शैलोट बैक्सन, एन डी ब्रॉय, लेडी क्लैरिक, मिलेडी। मिलेडी? मैं उसे जानता हूं, रॉशफोर्ड के साथ देखा था उसे।
उसने फिर अपना पक्ष बदल लिया। वो कार्नल के लिए काम कर रही है। उसे पकड़ने के बाद क्या करेंगे? महायोद्धाओं, बाहर निकलो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा पीछा किया। रोशफोर्ट, एथोस, पोर्थोस, एरमिस और दत्तानियन, अपने हथियार फेंक दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकले सबको मार दो। मशाले जलाओ, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारे घर को जला देंगे। एक, दो, तीन। ओ, माफ करना, मैंने नीचे नहीं देखा। जला डालो। मैं बताता हूं, तुम यहां ये बताने आए हो कि सभी महायोद्धा मर चुके हैं और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है और मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल हमारे साथ धोखा हुआ हुजूर। लेकिन रोशफोर्ट, तुम भूल रहे हो कि हमारी योजना के मुताबिक हमें उनको धोखा देना था, है कि नहीं? लेकिन हुजूर। हां, तुम्हें यह लफ्ज बहुत ही पसंद है। बदकिस्मती से उसे दोहराने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरेडी को खबर कर दो और बंदरगाहों पर नजर रखो। अब मेरी वैध इजाजत के बिना कोई भी इंग्लैंड नहीं जाएगा। उनके सर पर इनाम घोषित करो, जितना बड़ा उतना बेहतर। अच्छी बात है हुजूर। रोशफोर्ट, दोबारा मुंह काला करके मत आना। जूसक बहुत सारे आदमियों के साथ आया है, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। वो इतनी जल्दी यहां तक पहुंचा कैसे? अब क्या करें? उन्हें गुमराह करना होगा। मैं जाऊंगा। मैं भी जा सकता हूं। नहीं, मैं तो बेकार हूं। गलत, तुम सब गलत हो। इस काम के लिए वहां पर तुम सबका होना जरूरी है। वहां मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर जरूर कर सकती हूं। तुम पकड़ी गई तो? नहीं पकड़ी जाऊंगी। अगर पकड़ी गई तो? आखिर मैं महारानी की दासी हूँ, और याद है ना, तुम लोग फरार मुजरिम हो। इंग्लैंड की सबसे बड़ी हस्ती के महल में चोरी करने जा रहे हो, तो ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए? जाओ जाओ और कामयाब होकर लौटो। अब मुझे अपनी टोपी दे दो। डेटानियन, उसका पीछा करो। मैं भी आ रहा हूं। वो हीरे मीनार के सबसे निचले कक्ष में बकिंगम की अपनी तिजोरी में होंगे, बाकी शाही जेवरातों के साथ। और ताला भी अत्याधुनिक होगा, जिसकी चाबी बकिंगम हमेशा अपने पास रखता है। वहां तक पहुंचने के गलियारों में कई जाल होंगे। अच्छा है कि रास्ता बहुत सीधा है। मैं आप लोगों के लिए जलपान लेकर आया हूँ। शायद आपकी बात अभी तक पूरी नहीं हुई, माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ से भगाना मत। फिर तो और बुरा होगा, बहुत बुरा। हमें 3 पथरीले पहाड़ और 1 खाई को पार करना होगा, और वहां पर 200 से ज्यादा प्रशिक्षित फौजी होंगे जो हर हाल में कक्ष को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मिलाडी के जरिए बकिंगम जान गया होगा कि हम आ रहे हैं, तो फौजियों की संख्या और बढ़ा दी गई होगी। अगर बकिंगम को बता दें कि मिलाडी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है तो? लेकिन वो हमारा यकीन नहीं करेगा। वो अपने दुश्मन का यकीन क्यों करे? और वैसे भी मिलाडी ने उसके कान भरे होंगे कि एथोस आ रहा है। ये बताओ, वो इतनी दूर यहां क्यों आ रहा होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? वजह जो भी हो, वो सिर्फ एक बहाना होगा। वो बदला लेने के लिए आ रहा है, पहले मुझसे फिर तुमसे। तो हम उसके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे, क्या बोलती हो? हम उन्हें शक्ति से नहीं, युक्ति से हरा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो धोखाधड़ी से घुसना चाहेगा। उसे पता है कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, और इसी वजह से खेल दिलचस्प है। वो हमें जानती,
हम कैसे दिखते हैं, हमारी चाल क्या है, सोच क्या है। वो अपने गिरोह को अलग अलग हिस्सों में बांटेगा और उसमें से हर कोई अपने तरीके से अंदर आने की कोशिश करेगा। हम सिर्फ चार हैं, इसलिए हमें ऐसी माना खुदा की गलती हूँ पर गिनती में मैं भी हूँ, तो पांच हुए। वो एक अच्छा तैराक है, वो समुन्द्र के रास्ते आएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। एरेमिस अपनी फुर्ती और निशानेबाजी के लिए मशहूर है। हर मीनार हर छत पर पहरा बढ़ा दो। और पोर्थोस जहां तक मैं जानती हूँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसका सबसे खास तरीका यह है कि वो खुद को ही पकड़वा लेता है। इसलिए उन सबको जिंदा पकड़ना बेवकूफी होगी। एक और बात, वो लोग हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। ये कहकर हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं कि उन्हें कोई गुप्त जानकारी मिल चुकी है, जैसे कि मैं कार्डिनल के साथ भी काम करने वाली जासूस हूं, या फिर जैसे तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर ये सच भी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है ताकि पता चल सके कि तुमने कौन कौन से हथियार कहां कहां छुपाए हैं। तो इस तरह हम अंदर जाएंगे और वो सोचेगी कि हम यही करेंगे, हम वो करेंगे जो उसने ना सोचा हो। हम लोग दिन दहाड़े वहां जाएंगे जहां एक शख्स खुले में छुपा रहेगा। ज्यादा पहरेदार होने की वजह से कई नए चेहरे होंगे जो कि उनकी कमजोरी है, और डार्टेनियन तुम अहम मौर्य हो। हम लोग तो चारा है, हम लोग उनका ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे, उन्हें व्यस्त रखेंगे और उन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। बाकी सब तुम पर है। तुम एक महायोद्धा बनना चाहते थे ना, फ्रांस की सेवा करना चाहते थे ना, तो यही मौका है। लगा तुमने इशारा देखा था, पागल की तरह हाथ हिला रहे थे तुम। लेकिन यही तो मेरा वो इशारा था। मैं तुम्हारे नजरे से समझने की कोशिश करूं पर बदकिस्मती से मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम चाहते क्या हो। नहीं समझ पा रहे? नहीं। मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। मैं... क्या हो रहा है? अच्छा हुआ कि अफसर आ गए। सुनिए सर्जेंट, मैं चाहता हूँ कि आप इसे गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करोगे? मुझे गिरफ्तार नहीं करा सकते। बकवास मत करो, मैंने अपनी कीमती बादाम खो दिए। वो सड़े हुए थे। सड़े हुए थे? तुम बकवास कर रहे हो। चुप रहो। महायोद्धाओं में से एक गिरफ्तार हो चुका है। तो खेल शुरू हो गया है। उसे मेरे पास ले आओ, पहरा दुगना करो, फौज दुगनी लगाओ और सब कुछ दुगना करो। जी अच्छा। वो उसे छुड़ाने के लिए आएंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ तुम्हारे काबू में ही है। तुम्हें एतराज तो नहीं होगा अगर मैं इस खेल का अंत देखे बगैर ही यहां से चली जाऊं? तुम्हें लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुम एथोस को मारो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। तो बताओ तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? लाल। पर क्यों? मैं जानना चाहता था कि तुम कभी सच बोलती भी हो या नहीं। मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। वाह वाह वाह। तो शेरों ने बिल्ली को मेरे शिकार के लिए भेजा है। हाँ, तो मेरा दोस्त एथोस कैसा है? हाँ, क्या अभी तक उसके पुराने जख्म भरे नहीं जो एक बच्चे को
आदमियों वाले काम के लिए भेजा है। ये तो सरासर मेरी बेइज्जती है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? राज, जासूसी, ये सब सियासती खेल है, लेकिन पकड़े जाने पर जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं? कुछ नहीं बोलोगे? दया की भीख नहीं मांगोगे? वक्त क्या हुआ है? लगभग 2 बजने को आए। पहले ये बताओ, मरने की जल्दी है क्या? जरा बाहर तो देखो। चारा वो नहीं थे, मैं हूं। जहाज में आने की इजाजत है? इजाजत है। एक काल्पनिक प्रतियोगी से लड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कैप्टन रॉशफोर्ट कि उसमें हमेशा अच्छी कुशलता होती है, पर हर बार वो हार जाता है। हुजूर, जीतने की खुशी बिना शिकस्त के। कहीं तुम अपनी तलवारबाजी से मुझे खुश करने तो यहां नहीं आए हो? नहीं मेरे हुजूर, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। जैसे कि? तो उन हीरों का क्या हुआ? वो बकिंगम के पास ही है ना? नहीं, मिलेडी कभी जोखिम नहीं उठाती। उसे हमेशा ये खौफ रहता होगा कि कहीं हम उस कक्ष तक ना पहुंच जाएं। तो फिर कहां होंगे? उसके पास, जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करती है। वो निकल गई और हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमने तुम्हें चारा बनाया और हम मोहरे बन गए, लेकिन इस खेल का असली राजा वो तो कोई और ही है, जिसके बारे में मिलेडी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गाड़ी वाले, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आप, ये हुक्म का पालन हो रहा है मोहतरमा, कहीं दूर ले चलो, यही कहा था ना आपने? ब्लांशे,
जिंदगी में पहली बार तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। शुक्रिया साहब, सुनकर अच्छा लग रहा है, खासकर आपके मुंह से। बकवास बंद प्लंच। जी साहब। नहीं, तुमसे वाकिफ थे इसलिए गोलियां निकाल दी। अब क्या? वो हीरे तुम मुझे दोगी या मैं तुम्हारी लाश से निकाल लूंगा, मर्जी तुम्हारी। तुम कहो तो मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ। बाहर निकलो। दोस्तों, कैसे हो तुम सब? तो तुम ही हो गैस्कॉन के नौजवान? हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, दुनिया कितनी छोटी है। मैंने रॉशफोर्ट को तुम्हें मारने से रोका था, तुम्हें वो दिन याद है ना? तुमने बकिंगम को मार दिया? नहीं, पर मुझे मार दोगी? हाँ। उसे छोड़ दोगे पर मुझे मारोगे? हाँ, उसे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। ये लो, ये तुम्हारे काम आ सकता है शायद। आगे बढ़ो। आखिरकार वो उसी तरह मर गए जिस तरह जीती रही, अपने ही शर्तों पर। उसने मुझे बचाया। मैं गोली चलाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चलो अब घर चलते हैं। कोशिश करती हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ वहाँ वो वाली, कोशिश तो करो। महाराजा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। जी नहीं, अचानक आपको देखकर हम चौंक गए। ओह, हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा कि आपसे मिलते चलें और कहें कि रात के जश्न का बेसब्री से इंतजार है। बहुत शानदार जश्न होगा ये, जानती है ना? दावत, आतिशबाजी वगैरह वगैरह। एक बात कहें, कुछ भी हो सबसे शानदार नजारा होंगी आप, खासकर हीरो वाला हार पहनने के बाद। आप उसे पहनेंगे है ना? आपको उस हार के साथ देखने के लिए हम बेताब हैं। हम उसे जरूर पहनेंगे महाराजा। तो हम रात को मिलते हैं। उसने हार पहनने का वादा किया है, क्या आपको लगता है कि वो हार पहनेगी? उन्होंने कहा है तो जरूर पहनेंगे राजन, जरूर पहनेंगे।
मुझे ये हवाई सफर नहीं जमता। अब जब उनका ध्यान हमारी ओर है, कोशिश करते हैं ये मामला शांतिपूर्वक निपटा दिया जाए। आ देहाती, तू अपनी गधी को छोड़कर हवाई जहाज में सफर करने लगा, पर एक बार फिर तू पीछे रह गया। मिलेडी की मेहरबानी से उसने हवाई जहाज का नक्शा हमको भी दे दिया था। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमने कई आविष्कार किए हैं। ये बहुत बड़ा है ना। तुम चाहते क्या हो? हीरो का हर? तो आके ले जाओ। जरूर, मैं तुम्हें यहीं से मार गिरा सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। मुझ पर गोली चलाओगे तो तुम्हारी ये माशूक अपनी जान गंवा बैठेगी। मैं तुम्हें एक मिनट देता हूँ। हीरे मिलते ही रॉशफोर्ड हमें भूम डालेगा। हम तेज भी नहीं जा सकते। हम उनसे लड़ नहीं सकते, कमबख्त हम मजबूर। पास करो डार्टेनियन। क्या तुम के समझते कुर्बानी सिर्फ तुम्हें देना आता है? हाँ, हो सकता है वो मर जाए, लेकिन फ्रांस के भविष्य के सामने एक मामूली लड़की की जान ज्यादा कीमती नहीं है। मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुछ गंवाया है, सम्मान के लिए, राजा के लिए, मुल्क के लिए। जानना चाहते हो क्या सीखा है मैंने? कुर्बानी चाहे जैसी भी हो, वो तुम्हें चैन की नींद सुला नहीं सकती। जिंदगी वैसे तो बहुत छोटी होती है, पर बिना किसी के सहारे बहुत लंबी होती है। मेरी तरह गलती मत करो, प्यार के लिए जियो, प्यार की खातिर लड़ो डार्टेनियन। फ्रांस अपनी देखभाल खुद करेगा। वक्त हो गया, चलो एक सौदा करते हैं। मैं उस हार के साथ तुम्हारे जहाज में आऊंगा और वो लड़की इस जहाज में आएगी। जैसे ही मुझे पता चलेगा वो महफूज है, मैं वो हार तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं वो हीरे देखना चाहता हूं। चलो पाशे, उसे खोल दो। पुल को छोड़ दो। तसल्ली हुई? तू कभी नहीं सीखेगा, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मरते हुए देखो। खत्म कर दो सबको।
ना हम उससे तेज भाग सकते हैं ना उन्हें हरा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कोई काम बनेगा। हम छुप सकते हैं उन बादलों में। पड़ गए, मानना पड़ेगा उनको। लेकिन हुजूर, हम इस तूफान के भीतर नहीं जा सकते। कौन और कौन है जो मेरे हुक्म का पालन नहीं करना चाहता? अच्छा, आप लोगों के साथ साथ मैं भी झेल रहा हूं, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे? चुप रहो प्लांशे। जी साहब। इस गंवार से मैं निपटता हूं। मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे? तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और फिर उसी को सच मानने लगे। हिम्मत, सम्मान, ये हम सब एक साथ हैं। पता है, इतिहास को नायक नहीं लिखते, उसे जीतने वाले लिखते हैं। चारों तरफ नजर रखो। दूसरा हमला। सामने से वार करने में कतराते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी सामने से वार नहीं करता। कैप्टन रोडबोट, कैप्टन रोडबोट, कहानी खत्म। Come on, game!
हीरे तो अब भी मेरे पास है, अब इन्हें तुम कैसे हासिल करोगे? तुम्हें जान से मार के। कोशिश करके देखो। मुझसे मुकाबला करेगा? तुम्हें गांव में ही रहना चाहिए था बच्चे। और तुम्हें मेरी घोड़ी से माफी मांगनी चाहिए थी। महल में पहरा बढ़ाओ, महायोद्धाओं को देखते ही गोली मार दो, हर एक फौजी को इस काम में लगा दो, पूरी ताकत लगाओ। जी हुजूर। मुझे मत टोको, वो लोग किसी भी सूरत में।
यहाँ पर ये क्या हो रहा है? राजन, ये लोग यहाँ आपके लिए ये तोहफा लाए हैं महाराजा, कार्डिनल की तरफ से। कार्डिनल, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन राजन, आपने ही तो ऐसे हवाई जहाज की मांग की थी। हाँ, मांग तो की थी, लेकिन उसे हो क्या रहा है? बकिंगम के जासूस रॉशफोर्ड ने इसे बिगाड़ना चाहा और हमने उसे मार दिया। रॉशफोर्ड? वो तो आपकी फौज का कप्तान है ना? दरअसल कार्डिनल ने ही उस देशद्रोही का पर्दाफाश किया था। ये देखिए, इस पत्र के धारक ने जो कुछ भी किया वो साम्राज्य की भलाई के लिए है, इसलिए उस कार्य का उत्तरदायित्व मैं खुद पर लेता हूँ। इस पर आपके हस्ताक्षर है ना रिश्ला? लगता तो ऐसा ही है राजन। हम सारी बात समझ गए। आपने हमारे लिए हवाई जहाज बनाया और एक राजद्रोही का पर्दा भी फाश किया। हम इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? उसके लिए कई तरीके हैं महाराजा। आप? हम अभी जौहरी के पास से लौटे हैं महाराजा। हम जानते हैं जश्न में भी देर है, पर संगीतकार मौजूद हैं और हम भी। क्यों ना हम थोड़ी देर नृत्य करें? हम बिल्कुल पसंद करेंगे। ठीक है, मौज करो हमारे योद्धाओं। नथानियल, कुछ बदलाव देखा? लगता है प्यार में कामयाब होने वाले तुम अकेले नहीं हो। महाराजा, आप तो कमाल के हैं। वो तो है। सच तो यह है कि आने वाले दिनों में यहां पर बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। शुक्रिया, तहे दिल से। मेरी खुशकिस्मती है। तो फिर साज छेड़ो भाई। जी महाराज, सब लोग आ जाओ साथियों। अच्छी चाल चली है। मुझे तुम चारों की जरूरत है। मैं पहले से ही पादरी हूं। मैं शराबी हूं और मेरे पास काफी दौलत है। शुक्रिया, पर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस इनकार के लिए तुम्हें पछताना पड़े। हो सकता है, लेकिन आज नहीं। हां, आज नहीं। जश्न का मजा ले रही हो? तुम हमेशा से ही इतने घमंडी हो। मंगलवार को हो जाता हूँ या जब पास में कोई खूबसूरत लड़की हो तब। तो तुम्हारा मतलब है मैं खूबसूरत हूँ? देखा जाए तो आज मंगलवार है। क्या करेंगे? हम मौज करेंगे और उसके बाद वो जहां भी हमें भेजेंगे फ्रांस की सेवा में हम जाएंगे। मैंने सोचा अब तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं। मुझे हम पर भरोसा है और जब तक ये भरोसा कायम है दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए लड़ना और मरना जायज है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। एक बात कहूं साहिबान, मुझे पता है कि आप लोग मतलबी, गुस्सैल और बहुत जालिम किस्म के लोग हैं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि अंदर से आप लोग दिलेर और दयालु और अब चुप भी हो जाओ। हाँ हाँ, बकवास बंद। अगर तुम सोच रही हो कि यह हमारा अपना जंग है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं मरा और ना ही तुम। मैं जिंदा हूं। तुमने मुझे एथोस का पीछा कर रहा था तो वहां समंदर से तुम मिली। हम कहां जा रहे हैं?
फ्रांस पर धावा बोल लें। उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब करना है, इंतकाम लेना है। Try to survive, traveling at the speed of love.